नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। ठेकरी नगर की पुलिस थाने के पीछे बनने वाली बालाजी हाईटेक कॉलोनी में एक नाबालिग के द्वारा मजदूरी करने की बात सामने आई थी। इस सूचना पर श्रम निरीक्षक अधिकारी अर्चना यादव अपनी टीम के साथ बालाजी कॉलोनी में पहुंची है। उनकी उम्र का आंकड़ा लगाते हुए सभी मजदूरों की सूची बनाई है। वहीं अर्चना यादव के साथ चाइल्ड लाइन के अधिकारी भी पहुंचे हैं, जिन्होंने नाबालिग लड़की से जानकारी लेते हुए उसी मजदूरी करने की बात पूछी गई, जिसमें नाबालिग लड़की ने मजदूरी करने से इनकार करते हुए उसके छोटे भाई बहनों को संभालने का काम करना बताया है। वहीं नाबालिग लड़की के माता पिता भी इसी कॉलोनी में मजदूरी का कार्य करते हैं, जिनके साथ रहकर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखने की बात कही है। वहीं श्रम अधिकारी अर्चना यादव ने बताया है कि नाबालिग लड़की ने मजदूरी करने से इनकार किया है। वहीं अन्य मजदूरों से चर्चा करने पर कुछ मजदूरों की मजदूरी कम मिलना पाई गई है, जिसके लिए श्रम विभाग के द्वारा जांच करा के की कार्यवाही करने की बात कही। बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? श्रीमती अर्चना यादव। किस पद पर आए आप? श्रम निरीक्षक। आज जो यहाँ पर बालाजी कॉलोनी के अंतर्गत आप निरीक्षण करने के लिए आए, आज यहाँ सूचना मिली थी हम लोगों को कि बाल श्रमिक काम कर रहे हैं, तो हम अपने साथी इंस्पेक्टर के साथ यहाँ निरीक्षण करने आए बाल श्रमिक में। और दूसरी न्यूनतम वेतन अधिनियम में भी निरीक्षण किया, तो बाल श्रमिक में तो लड़की काम कर नहीं पाई गई, क्योंकि उसका कहना है कि वो अपने भाई बहन को खिला रही थी, काम नहीं कर रही थी। तो बाल श्रमिक की जो दूसरी धारा है उसके अंतर्गत हम लोगों ने कार्रवाई की है, और न्यूनतम वेतन में भी जिन श्रमिकों को कम मिल रहा है वेतन, उनके बयान लिपिबद्ध किए और दूसरे श्रमिकों के भी बयान लिपिबद्ध किए। क्या ठेकेदार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके बारे में अपनी जानकारी ली नहीं थी? इन लोगों का कहना है कि ठेकेदार के माध्यम से काम नहीं करवाया जा रहा है, नियोजक खुद ही काम करवा रहे हैं। कुल मिलाकर क्या क्या पाया गया है निरीक्षण में? निरीक्षण में कुछ जो न्यूनतम वेतन की कुछ धाराएं होती हैं, कुछ पंजियां वगैरह रखनी पड़ती हैं, वो नहीं रखी गई हैं, और बाल श्रमिक की जो बोर्ड लगाना रहता है कि बाल श्रमिक प्रतिबंधित है, वो नहीं रखा लगाया है। कितने में डेवलप हुई है कॉलोनी, ऐसा कोई मूल्यांकन किया गया है? उनके द्वारा, उपस्थित व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि 90 लाख के करीब की है अनुमानित लागत। ठीक।